पाकिस्तानी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन को लेकर बड़ा खुलासा, मारे के विदेश विभाग की रिपोर्ट, आईएम ने नेपाल को बनाया अड्डा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा, खुफिया सूत्रों के मुताबिक माछल सेक्टर के पास आतंकियों का दस्ता घुसपैठ को तैयार। जम्मू कश्मीर में आईएसआई और पाक आर्मी रच रही है बड़ी साजिश, जैश ए मोहम्मद को सौंपी गई घुसपैठ कराने की जिम्मेदारी, अलर्ट पर है सुरक्षा बल। करतारपुर साहिब के उद्घाटन से पहले पाकिस्तान की एक और साजिश, थीम सॉन्ग के वीडियो में लगाए आतंकी भिंडरावाले के पोस्टर्स, 9 नवंबर को होना है उद्घाटन। अमृतसर में सिद्धू और इमरान खान के होर्डिंग्स लगे, सिद्धू और इमरान को बताया असली हीरो, होर्डिंग लगाने वाले पार्षद हरपाल सिंह वेरका सिद्धू के प्रशंसक हैं। रेगिस्तान में फ्रांस और इंडियन आर्मी की ज्वाइंट एक्सरसाइज, बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में जवान जमकर पसीना बहा रहे हैं। ज्वाइंट एक्सरसाइज का मकसद दोनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल और सैन्य संबंधों को मजबूत करना। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की ट्रेनिंग, फ्रांसीसी सेना के 38 सैनिक युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। अयोध्या पर फैसले से पहले यूपी सरकार की बड़ी तैयारी, शांति बनाए रखने के लिए पुलिस करेगी 50,000 वॉलंटियर्स की तैनाती, एंटी सोशल एलिमेंट पर रखी जाएगी नजर। यूपी के गाजीपुर में अयोध्या फैसले को देखते हुए व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई के आदेश, पुलिस अधिकारियों ने सभी समुदायों के साथ बैठक भी की। जबलपुर में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने सर्वधर्म संगोष्ठी का आयोजन किया, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की अपील की गई। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में अयोध्या केस को लेकर प्रशासन अलर्ट, पूरे जिले में धारा 144 लागू, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट न करने की हिदायत। अयोध्या में कार्तिक के महीने में 14 कोसी परिक्रमा, दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। चुनाव के नतीजों के 13 दिन बावजूद महाराष्ट्र में सरकार पर सस्पेंस बरकरार, शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा सीएम पद की दावेदारी से पीछे नहीं हटेगी शिवसेना। जो तय हुआ है, जिस बातों पर सहमति हुई है, वही आप आगे लेकर जाइए, यही प्रस्ताव है, नया प्रस्ताव। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर सड़कों पर समर्थक उतरे, सड़क पर लेटकर मंदिर जाता हुआ नजर आया उत्साही सपोर्टर। नागपुर में सड़क पर लेटकर गणेश मंदिर पहुंचा फडणवीस, समर्थक फडणवीस को दोबारा सीएम बनाने की मन्नत मांगी। महाराष्ट्र में कोर कमेटी की मीटिंग, फडणवीस की अगुवाई में सरकार बनाने पर चर्चा, आज उद्धव ठाकरे से मिल सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मिले देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मौजूदा हालात पर हुई चर्चा, नितिन गडकरी भी साथ थे। दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन को लेकर पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने नोटिस भेजा। दिल्ली की सजारी में वकीलों और पुलिसों में झड़प के मामले पर आज केंद्र की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, 2 नवंबर को यह झड़प हुई थी। दिल्ली में आज भी वकीलों की हड़ताल जारी, कुछ देर में इंडिया गेट पर महिला वकील निकालेंगी मार्च, एलजी के घर पुलिस अफसरों के साथ बैठक जारी। आला अफसरों का पुलिस वालों को भरोसा, आरोपियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, दिल्ली पुलिस की पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। पुलिस मुख्यालय के सामने धरना खत्म, वापस ड्यूटी पर लौटे सभी प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मी, ट्रैफिक फिर से पटरी पर लौटी। दिल्ली में आज शाम 6 बजे होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज अहम बैठक होगी, कांग्रेस सभी 81 सीट के लिए नाम को लेकर चर्चा करेगी। उपचुनाव के नतीजों के बाद मायावती ने बुलाई लखनऊ में बड़ी बैठक, जोनल इंचार्ज और पदाधिकारियों के साथ चर्चा, संगठन में हो सकता है बदलाव। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान बने लोक जनशक्ति पार्टी के नए अध्यक्ष, रामविलास पासवान बोले नौजवानों को पार्टी की कमान सौंपने का वक्त। आरसीईपी समझौते में शामिल होने से इनकार के बाद चीन झुका, कहा भारत से करेंगे बात। आर्म्स एक्ट 1959 में संशोधन कर सकती है सरकार, 1,000 से ज्यादा हथियार नहीं रख पाएंगे लोग, हश फायरिंग पर भी जुर्माना लगेगा। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी खतरनाक स्तर पर। दिल्ली में 2 दिनों की छुट्टी के बाद आज खुले स्कूल, मास्क लगाकर स्कूल जाते नजर आए बच्चे। अलीगढ़ में सड़कों पर छाई रही धुंध, चारों तरफ फैला स्मॉग, मास्क लगाकर घर से निकले लोग। दिल्ली में आज एवन नंबर की गाड़ियां चल रही हैं, मंगलवार को 213 चालान काटे गए।
बिहार के लखीसराय में चल गया बड़ा हादसा, ट्रेन और स्कूल वैन की टक्कर होते होते बची। रेलवे ट्रैक पर फंस गई स्कूल वैन, समय रहते ड्राइवर ने रोकी ट्रेन। जम्मू कश्मीर के रामबन में भीषण सड़क हादसा, 300 फीट गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत। मुंबई के मलाड में गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। मुंबई के बोरीवली में अजगर ने दहशत मचाई, 10 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया गया। सब्जियों की कीमत में भारी इजाफा, प्याज और टमाटर की कीमतों में भारी उछाल, दिल्ली में प्याज की कीमत 80 रुपए के पार। कई राज्यों में प्याज की कीमत 100 रुपए हुई, नासिक की थोक मंडी में 37% बढ़े प्याज के दाम। जबलपुर में भी आम लोगों को प्याज रुला रहा है, 80 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से हालात बिगड़े। अंबाला में भी प्याज और टमाटर के दाम आसमान पर, प्याज 70 से 80 रुपए तो टमाटर 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। IIT मद्रास का कमाल, पहली बार स्टैंडिंग व्हीलचेयर को लॉन्च किया, व्हीलचेयर के सहारे दिव्यांग अब खड़े हो सकते हैं। EPF को बढ़ाएगा अपने सदस्यों की जीवन बीमा राशि, 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी, रोहतांग पास से बर्फबारी से मुश्किलें, अगले 24 घंटे बारिश की भी चेतावनी। कुल्लू में बर्फबारी की वजह से मनाली लेह हाईवे पर चक्का जाम हो गया। रुद्रप्रयाग में बदला मौसम का मिजाज, केदारधाम में भारी बारिश, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। बद्रीनाथ धाम में इस बार रिकॉर्ड तोड़ 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, 17 नवंबर को बंद हो रही है बद्रीनाथ धाम की यात्रा। MP के देवास जिला कोर्ट में शराब के नशे में चू चौकीदार संतोष सिंह ने जमकर हंगामा किया, मामले की जांच जारी। UP के मुजफ्फरनगर में एक युवक का शव कमरे में संदिग्ध हालत में लटका मिला, मामले की जांच में पुलिस जुटी। जम्मू कश्मीर के रामबन में 300 फीट गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में मिड डे मील खाने से 50 बच्चे बीमार, 250 बच्चों ने यह खाना खाया था, मामले की जांच में पुलिस जुटी। चेन्नई में 5 किलो से भी ज्यादा का गोल्ड बरामद किया गया, एयरक्राफ्ट से यह बरामद किया गया, कस्टम विभाग की कार्रवाई अब भी जारी। यूपी के हाथरस में पुलिसकर्मी रामकुमार ने दी आत्महत्या की धमकी, रामकुमार की जमीन पर दबंगों का कब्जा। यूपी के लखीमपुर खीरी में बेलगाम हुए कांग्रेस कार्यकर्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़े। एक गुट ने दूसरे गुट पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगाया, कहा बीजेपी की तरफ से भेजे गए गुंडे, दोनों तरफ से जमकर हुई धक्का मुक्की। यूपी के हाथरस में MBA की छात्रा की किडनैपिंग से हड़कंप मच गया, NH-93 पर बेहोशी की हालत में मिली छात्रा, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया, मामले की तफ्तीश जारी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बदमाशों ने सर्राफा व्यवसायी को गोली मारी, सोने चांदी की ज्वेलरी का बैग छीनकर फरार हुए बदमाश। MP के नरसिंहपुर में लोगों ने की जेब कतरे की पिटाई, जेब काटते वक्त लोगों ने पकड़ा। दंतेवाड़ा के जंगलों में नक्सली मुठभेड़, 2 नक्सलियों के शव बरामद। बॉलीवुड अभिनेत्री पायल रोहतगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, कांग्रेस ने पायल रोहतगी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की, मोतीलाल नेहरू के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। यूपी के बागपत में 20 लाख की शराब जब्त, सेब की पेटियों में छिपाकर हरियाणा से की जा रही थी तस्करी। उत्तराखंड के चमोली में गहरी खाई में गिरी कार, एक शख्स की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। MP के सिंगरौली में खाई में गिरा ऑटो, हादसे में 2 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार बस पलटी, हादसे में 20 यात्री हुए जख्मी, हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार। मध्य प्रदेश के सिवनी में जंगली हाथियों का आतंक जारी, हाथियों ने खेतों में उत्पात मचाया, ग्रामीणों ने हाथियों को खदेड़ा। ओडिशा के मयूरभंज में भी गजराज का इंसानों पर हमला, जंगली हाथियों ने फसलों को नष्ट किया, प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों में गुस्सा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 2 MLA की गाड़ियां आपस में टकराई, सर्किट हाउस के पास हादसा। PNC बैंक खाताधारकों को बड़ी राहत, 48% ग्राहक निकाल सकेंगे अपनी कुल जमा रकम, निकासी की सीमा भी 50,000 रुपए हुई। बीजेपी नेताओं के बेतु के बयानों पर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, दतिया किला चौक मैदान पर किया बुद्धि शुद्धि हवन। राजस्थान में गहलोत सरकार छात्राओं से छेड़खानी के खिलाफ उठा सकती है बड़ा कदम, स्कूल कॉलेज में दी जाएगी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। जयपुर में डेंगू का कहर, अब तक 4,000 से ज्यादा मामले सामने आए, 14 लोगों की मौत हो चुकी है।
केंद्र सरकार के खिलाफ देवास में कांग्रेस का प्रदर्शन, डीएम दफ्तर के सामने कार्यकर्ताओं का हंगामा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में धान खरीदी में देरी से किसान बेहद परेशान, 1500 रुपए की दर से फसल बेचे जाने को मजबूर हैं किसान, बीजेपी ने विश्वासघात का आरोप लगाया। राजस्थान के पुष्कर मेले का रंगारंग आगाज हो गया, विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद मेले का शुभारंभ किया गया। मेला स्टेडियम पर ध्वजारोहण के बाद बड़ी तादाद में सैलानी नजर आए, विदेशी सैलानी जुटे हुए हैं, 12 नवंबर तक ये मेला चलेगा। मध्य प्रदेश के उमरिया में प्लेन और ड्रोन से फूलों की बारिश की गई, हनुमान कुंज आश्रम के गुरु श्री सीएस शरणदास जी का 91वां जन्मदिन मनाया गया, 70 किलो चांदी से महाराज का तुलादान किया गया। गुरुग्राम में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मरीज को पहुंचाया गया अस्पताल। कर्नाटक के गदक में बस ड्राइवर और कंडक्टर ने ईमानदारी दिखाई, बस में छूटा हुआ सोना वापस लौटाया। मेक्सिको के ज्वालामुखी विस्फोट कर रहे हैं, ज्वालामुखी रात के अंधेरे में भी 1.5 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई दे रहा था। नॉर्थ मेक्सिको में अमेरिकी मूल के 9 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, हत्या के बाद गाड़ी में शव को रखकर आग के हवाले कर दिया गया, मरने वालों में 6 मासूम बच्चे भी शामिल। इराक में सरकार विरोधी आंदोलन तेज, बगदाद में पुलिस फायरिंग में 5 प्रदर्शनकारियों की मौत, 22 लोग जख्मी। चिली में सरकार के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे, पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत में कई लोग जख्मी। कैलिफोर्निया के जंगलों की आग पर काबू नहीं, रिहायशी इलाकों में भी आग ने मचाई तबाही, 6 लाख से ज्यादा लोग बेघर। कैलिफोर्निया से सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर, चलती ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बचा यात्री, मौके पर मौजूद कर्मचारी ने जान बचाई। सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प वीडियो वायरल, बकरी का मेमना स्लाइडिंग करता नजर आ रहा है। कंकाल के साथ एक शख्स के डांस का वीडियो वायरल हुआ, 2 कंकालों के साथ सड़क पर कुछ इस तरह से डांस करता नजर आया ये। मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन ने ताजमहल का दीदार किया, ताज की खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हुई एमा जेनकिंस।